कर्ता पुरुष निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी सतनाम वाहे गुरु साहेब जियो मांज महला तीजा तेरे भगत सो हैं साचे दरबारे गुर कै शब्द नाम सवारे सदा आनंद रहें दिन राती गुण कह गुणी समावणिया तेरे भगत सो हैं साचे दरबारे गुर कै शब्द नाम सवारे सदा आनंद रहें दिन राती गुण कह गुणी समावणिया हौं वारी ज्यों वारी नाम सुन मन वसावणिया हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा हौं मैं मार मिलावणिया रहा हर जियो साचा साची नाई गुर प्रसादी किसे मिलाई गुर शब्द मिलें से विछुड़े नाही सहजे सच समावणिया तुझते बाहर कछु न होए तू कर कर वेखें जाने सोए आपे करे कराए करता गुरमत आप मिलावणिया कामण गुणवंती हर पाए पह पाए शिंगार बनाए सतगुर सेव सदा सोहागण सच उपदेश समावणिया शब्द विसारण तिना ठौर ना ठाओ परम भूले ज्यों सुन्यै कर काओ हलत पलत तिनी दोवें गवाए दुखे दुख विहावणिया लिखदियां लिखदियां कागद मसखोई दूजै पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिखें तें कूड़ कमावें जल जावें कूड़ चित लावणिया गुरमुख सचो सच लिखें विचार से जन सच्चे पावें मोख दुआर सच कागद कलम मसवाणी सच लिख सच समावणिया मेरा प्रभयंतर बैठा वेखै गुर प्रसादी मिलै सोई जन लेखै नानक नाम मिलै वडियाई पूरे गुर ते पावणिया मेरा प्रभयंतर बैठा वेखै गुर प्रसादी मिलै सोई जन लेखै नानक नाम मिलै वडियाई पूरे गुर ते पावणिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश शाम समय असी सतसंगत माण रहे हैं भावें गुरु हजूर हाजिर होने का सुभाग है या मीडिया आउटलैट्स राही करां थावां तो गुरु शब्द नाल सरशार होने का सानू मौका बने है। ये जो समा हुण साढ़े कोल है इहदे च असी गुरु शब्द व्याख्या करते हैं। इस विच माज राग दे गुरु अमरदास महाराज द्वारा उच्चरित किए गए अष्टपदे सानू प्राप्त ने। आप जी ने इस पावन शब्द का समुचा पाठ सरवण किया है। ये कोई असीम चार बंद विचारे ने, पंज नंबर बंद तो अगे विचार अच तोरांगे, पर एक हमेशा की तरह सरसरी नज़र रहाओ दे पदे ते है। सब जिक्र करते ने, हाँ वारी जियो वारी नाम सुन मन वसावणे आ, मैं कुर्बान जाना मैं वारने जाना उस बशर तो उस मानुख तो उस इंसान तो जिन्हें प्रभु की हस्ती का वड्योण गोचरे जो रूप या नाम उसनू सुनिया आ। तो कला सुनिया नहीं मन विच वसा लिया है, उदे जीवन विचों संदेश रिफलैक्ट करता है। सोदे तो गुरु बाबा जी कहिंदे मैं कुर्बान जाना मैं अपना आपा वारदा आ, हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा होमै मार मिलावणे आ। हरी सच्चा आ, रियल आ, इट्स नॉट जस्ट ए फेक टॉक और लिप सर्विस और सम काइंड ऑफ साइकोसिस डिसऑर्डर, दैट इज अल्टीमेट रियलिटी। एट द सेम टाइम द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल माइटी इज वेरी सुपीरियर, बड़ी आलमी है। तो उस आलमी हस्ती दे नाल जिसी सांझ पाउणी है, इफ वी रियली वांट टू मेक सम काइंड ऑफ एसोसिएशन, होमै मार मिलावणे आ, होमै जिहड़ा साडा एरोगेंट बिहेवियर आ, जिहड़ी साडी इगोटिस्ट अप्रोच आ हर पासे तो, मैं ते मैं होर कुछ नहीं हैगा, मी एंड माई सैल्फ, जिहद तो बहर आ जावांगे ते जिन्ने अपने आप नूं सैल्फलैस करांगे उस ओमनी प्रेजेंट अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल साडी सांझ उन्नी वाबस्ता होएगी, उन्नी पीढ़ी होएगी। सो इह रहाओ दा बंद आ। अगे बचन नूं विचारदिआं होइआं जिस पदे ते असीं हैगे आ, इह पंज नंबर बंद आ, सब जिक्र करदे ने शब्द विसारण तिना ठौर ना ठाओ। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जिहड़े वर्ड्स ने प्रसंग दे मुताबक, वर्ड्स हैव बीन यूज्ड अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्सट, ते इंटरचेंजेबल भी ने। एक जगह ते एक वर्ड एक डिफरेंट मीनिंग आएगा, दूजी जगह ते टोटली डिफरेंट मीनिंग आएगा। एंड वी हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स, ये भी एक मतलब एक बड़ा डायवर्स रंग या लैंग्विस्टिक साइड तो जो तुम वेखोगे, तो जो थोड़ा मैं एग्जाम्पल देव एक दो, तो आप जिमें शब्द पढ़ते हाँ, जपजी साहब ही लै लो, गावे को जी लै फिर देह, देह लफ्ज पढ़ लिया। जिस प्रसंग च इत्थे है, थोड़ा अगे आ जाओ, गुरा एक देह बुझाई, इत्थे जिस प्रसंग च है टोटली डिफरेंट होएगा। थोड़ा अगे आ जाओ, भरिए हथ पैर तन देह, तीजा प्रसंग डिफरेंट है। सो यू हैव टू गो थ्रू विद द कॉन्टैक्सट। जे असीं कॉन्टैक्सट छड़ दोगे फिर जिहड़ा खास करके उहदी प्रेजेंटेशन है जिहड़ा उहदा मायना आ, उहदे नाल असीं जस्टिस नहीं कर पावांगे। इन बिन इको ही जिहड़ा खास करके वर्ड आ उह मैटाफोरिक वे दे नाल प्रसंग दे विच डिफरेंट डिफरेंट किस्म दी रिफलैक्शन देंदा आ, उस तरीके की आभा मंडित करदा आ, जिन्हों कह लो कि उदे इंटरप्रिटेशन बदलती है। जिते गुरु बाबा जी ने बात की है, शब्द विसारण तिना ठौर ना ठाओ, इत्थे शब्द का मायना हुक्म बनता है, अकाल पुरख वाहिगुरु का हुक्म, उदा शब्द जिहड़ा है
क्योंकि शब्द नू डीप लेवल ते कहोगे ना ते शब्द गुरु बाबा जी कहिंदे उहदा हुक्म आ. दीज आर नॉट जस्ट वर्ड्स दैट समवन इज लिसनिंग सम काइंड ऑफ सधुखड़ी और पंजाबी लैंग्वेज फ्रॉम माई माउथ. बाबा जी वाज सेइंग नो नो नो, इट एक्चुअली मैं कहे आ सब हुक्म आओ जियो हूँ आपो बोल ना जानदा. मैं कहे आ सब हुक्म आओ जियो, वट एवर हुक्म आई एम एक्चुअली गैटिंग आई एम प्रजेंटिंग इट इन शब्द. शब्द हुक्म है असल च. जे बंदा इस तरीके नाल देख लवे, देखो अज असी जहो जी सिचुएशन चो लंघ रहे हैं तुसी किदे ते बिलीव करोगे. गौरमेंट्स की हालत यह है, मैं बीते दो रोज़ पहले एक प्रोग्राम देख रहा सीगा मेन स्ट्रीम दे विच. वो कह रहे सीगे कि जदों ये अज असी वर्ड सुनने ना भी आई एम गवर्नमेंट एंड डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. कहते अराउंड 70% कहते हैं समथिंग इज फिशी. गवर्नमेंट कदों साढ़े बारे फिक्र करन लगी. ये अज बिलीव आ चुका है. जिथे गवर्नमेंट इनवॉल्व होगी लोग डरन लग गए भी गड़बड़ है, कुछ ना कुछ जरूर फिशी हैगा इतने जी जे लोगों बारे वरी आने लगे. हूँ आप आइडिया लाओ जे पोलिटिकल साइड से एक ग्लोबल आ, कित थोड़ा वध आ कित घट आ, इतने थोड़ा जहा जे सू घट लगता है जो असं उत्थे चले जाइए तो उत्थे तुहानू पता ही हुण की हो रहा है. You can easily see what's happening right now. So ए जिहड़ी चीज आ फिर बंदा ए गया. दूसरा अमेरिकन या यूरोपियन वर्ल्ड दे विच जदों कारपोरेट कल्चर आया सीगा, कारपोरेशनस वड्डियां वड्डियां आईयां, इन्हां ने लोकां नू प्रोस्पर किया. इस खिते च प्रोस्पैरिटी आई, इस खिते च एकदम साधन संसाधन वध गए, इंफ्रास्ट्रक्चर वधने शुरू हो गए एक तो बाद एक, हर चीज़ लगन लगी. इट्स पॉसीबल, गल ही कुछ नहीं है, क्योंकि जिवें मनी पूल हुंदी है जिवें इस तरीके दे नाल स्टॉक का रूप वड्डे लैवल ते आना शुरू हो गया. सब चीज़ां तुहाडे सामने अज तुसीं गल करो. अज लोग कहिंदे फिर बिग कारपोरेशनस आर एक्चुअली इनवॉल्वड एनी वेयर, दैट मीन जस्ट लोगों की एक्सप्लोइटेशन होएगी. दे गोना एक्चुअली गोना डू सम काइंड ऑफ लूट. वो तो ये चीज़ करनगे तो एक्चुअल लैवल तो ये चीज़ आ गई. हुण आ जिहड़े रूप ने बिलीव कित्थे करेगा बंदा. जे होर डीप चले जाइए तो एंड ऑफ द डे बंदे नूं लगता आ परिवारां दे च कुछ नहीं, बस एक सारे आपो अपने आप जिहड़ा हैगा शो रन कर रहे ने, कोई किसी वास्ते नहीं हैगा, सारे सैल्फिश हो गए ने. तो इत्थे हौमै मार मिलावणियां दी गल आ. फिर सब दे विच जे देखिए तो जावांगे कित्थे. एंड ऑफ द डे बीइंग ए सिख बिलीवर मैं गल करन लगा हुण, हालांकि गल तो बड़े यूनीवर्सल लैवल पर हो सकती बट नैरो डाउन करिए. बीइंग ए सिख बिलीवर साढ़े कोल बेस्ट सोर्स है बिलीव करने वास्ते हुक्म. हुक्म मीन गुरबाणी. बड़ा ईजी सिंपल. तो गुरु साहब ने सिर इतना ईजी तो सिंपल रखिया साढ़े लिए. तो सवेरे पढ़िया जाने वाला गुरु ग्रंथ साहब ने इस तरीके मैं भी ओपन गुरु ग्रंथ साहब महाराज एंड दैट टाइम वट वी रीड दैट इज हुक्मनामा. बस जो मेरे गुरु ने कहता वो फाइनल आ, उ वधिया आ. एक चीज़ होर देखा जे मैं काफ़ी लंबे समय तो जड़िया फैमिली वैल्यूज ने या जेडे खास करके ह्यूमन वर्चूज या गुणा की गल आ, इस सारे दे उत्ते काफ़ी लिटरेचर वगैरह पढ़ रहे हैं, काफ़ी किस्म दियाँ चीज़ां नूं जिहड़ा है समझ समझ आ रहे हैं. तो उहदे च कुछ चीज़ां दा पता लगा आ कि सपोज करो जिहड़े दुनिया दे बड़े स्कॉलर लोग ने वो कहिंदे ने कि फैमिलीज़ लई कोई भी जरूरी नहीं हैगा कि कित्थों शुरुआत करनी है तो कित्थे ख़त्म करना है. बच्चियां नूं फैमिली मैंबरस नूं चंगा बनाउण वास्ते कितों भी शुरुआत कर लो, जस्ट एक चीज ते फोकस करो, वैल्यू बेस्ड परिवारां दा एनवायरमेंट होए. घरां दे विच किसी वैल्यू सिस्टम नूं अडोप्ट करो. जिथे तुसीं नूं लैकिंग करोगे उत्थे फैमिली दे विच
ना सुख रहेगा, ना शांति रहेगी, ना चढ़ती कला, कुछ भी नहीं रहेगा। महाराज जो बाणी च बयान कर दे सब वार बार कहिंदे, परिवारां दा मतलब जानो की है। परिवारां दा मतलब एक वैल्यू सिस्टम नू फॉलो करना है। हुण बीइंग ए सिख असी कहीए वो वैल्यूज, वो कदरां कीमतां, वो उमदा आला ख्याल बचन सोच किथे लभण जावांगे? सानू क्या गया कितों लभण दी लोड़ ने, गुरु ग्रंथ साहब नू पढ़िया जाए। इहदे एक बचन नू, कोई बचन है डजंट मैटर, कोई एक खास शब्द तुसीं सवेरे सुनिया उहनू क्या मेरे वास्ते हुक्मनामा आ। जिसे थोड़ा जिहा उस नाल अपने आप नू अंगेज करोगे, थोड़ा डीपली उन्हों अनालिसिस करोगे अपनी सुरत दे विच, तुहानू उहदे च बहुत सारे शुभ गुण मनुखता दे, अध्यात्मकता दे, रूहानीयत दे, इंसानियत दे मिल जाणगे। जस्ट उन्हां नू नाल लै के उन्हां दी उन्हां उत्ते फोकस करदिआं होइआं उन्हां नू एग्जीक्यूट करो, उन्हां दे उत्ते एफर्ट पाओ, उन्हां नू संभालो, यतन करो, बस यही बहुत है। जे इस तरीके दे नाल बंदा करना छड्ड देवे ते बल्कि आप मुहारा, आप मुहारा मीन समाजां च हुंदा है कि जैसे को तैसा, मैनू किसी ने कोई गलत गल कही, मैं हुण उहदे नाल गलत बिहेव करना या मैं उहदे बारे गलत सोची जा रहा वा। इसे तरीके नाल करदिआं करदिआं उदों पता लगदा जदों जिंदगी लंघ गई सारी, की खटिया की कमाया, एक दूजे नूं ईरखा विखाउंदिआं, एक दूजे नूं साड़े विखाउंदिआं, एक दूजे नाल नफरत करदिआं, एक दूजे नूं सब, इसे तरीके का जीवन लंघ गया बंदिआं दा सारा। हुण इह सब चीज़ां दे विच्चों मनुख की वेस्टेज ऑफ लाइफ आ। गुरु बाबा जी ने शब्द इत्थे बचन प्रारंभ किया, महाराज कहिंदे शब्द विसारण तिना ठौर ना ठाओ। तुसी शब्द विसारिया नहीं, तुहानू कोई ठौर ठाओ नहीं है, तुहाडा तुहाडे तुहाडे जीवन में कोई स्थिरता, कोई जिन्हों कहा जाए स्टेबिलिटी नहीं है। तो जिथे ये चीज़ नहीं हैगी इन्हू होर सही लैवल ते कर लिया जाए। जिवें बाणी ने कहा सीगा, सुख ना ही बहुता तन खाटे, सुख ना ही पेख नित नाटे, सुख ना ही बहुदेश कमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। बंदा कहिंदा आ कोई स्पैसीफिक स्टेज ते जाके सुख माणांगा, वो सुख पैसे विचों आएगा, वह बहुता कमा लईए। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, कमा के सुख नहीं मिलता, खर्च के सुख मिलता, स्पेंड कर लो। अज ते साडे, मैं एडिक्शन ते काम कर रहा, एडिक्शन का वड्डा जिहड़ा लैवल अज आ रहा है वह आ रहा है कंज्यूमरिज्म के रूप में, काइंड ऑफ शॉपिंग। तो जदों का आ ऑनलाइन का जिहड़ा एकदम कल्चर ही बिल्ड हो गया है, ये नाल ते इंज कह लो एक वक्खरा एवीन्यू ओपन हो गया। हालत यह बन गई है, इसलिए अमेजोन जगह जगह कह रहे इतने भी असं एक वेयर हाउस खोल देंगे, इतने भी खोल देंगे, इस किस्म के नाल। उहदा रीजन की है? बस ये स्क्रीन पर बंदा बैठा आ, चीज़ां पॉपअप हो जाने एड्स के रूप में, कोई ना कोई एक चीज़ आ लै लो, आ लै लो, आ लो, इस तरीके दे नाल इहनू बंदे ने जिंदगी समझ लिया भी ये पदार्थ जिहड़ा है। गुरु बाबा जी दा हालांकि शब्द पढ़दे ना तो महाराज कहिंदे हकीकत यह है, दातां तो है ने, मदर नेचर दातां दे रही ने। देखो आ मैं कपड़ा पाया है, तो ये कपड़ा मदर नेचर ही आया है, उहदा भावें पहला रूप कॉटन सीगा, तो कॉटन तो बाद जिस चीज़ ने कॉटन नू कपड़े विच कन्वर्ट किया सारा कुछ करन ते, वह मशीन वह लोहा वह भी धरती दे विचों आया। जिहड़ा मनुख उत्थे सारे कासे नू बना रहा है वह भी धरती का जाया आ, वह भी मिट्टी तो आया। एक्चुअल लैवल तो दात तो सारी यदि हुई है ना, दाते दियां वस्तां दी दात विचों ही मैनू कुछ मिल रहा उस रूप दे। ते साहब ने कहा दात नाल भी सांझ आ, ते फिर दाते नू जरूर याद रखी। देण वाला होया होया कि दात प्यारी, यह बड़ी चंगी लगती है, तो मगर भज रहा यदी गल हो रही सारी, विसरिया दातारा, वह विसर ही गया कि वह विच भी ये सारे वो विच भी बैठा है। स्पिरिचुअलिटी जिहड़ी है ना, इसलिए गुरु साहब ने कहा कि जरूरी नहीं माला फेर के रब याद आएगा। ठीक है तू जपनी है जप सकता है, पर जे तू वाकई च उहदे नाल जुड़े तो फिर एक जर्रा जर्रा ही उहदी पहचान दस रहा, ओंकार जो होया जदों ओंकार आ तो उहनूं कित्थे कित्थे किवें माइनस कर देगा। शब्द हुक्म यह समझ आए कि जर्रे जर्रे च जरखेज आ, उहदे नाल सांझ पाउणी है। जे बंदा ये चीज़ ना करे फिर भावें माया होर कमा लवे, माया होर खर्च लवे, नृत नाट। मैं तो डाटा पढ़ के हैरान हो गया कि इस कोविड की शुरुआत तो लैके हुण तक
ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਮਾਈਂਡ ਬਲੋਇੰਗ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਦੀ GDP ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਬਸ ਨ੍ਰਿਤਨਾਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਚਿਆ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਐਪਸਫੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਯੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਡ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬੋਲਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੀ ਸਾਰੀ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਜੌਬ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜੌਬ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਵੀ ਅੱਜ 4 ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜਾਂ 3 ਦੇਖਣੀਆਂ ਜਾਂ 2, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਕਾ VCR ਰੱਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, TV ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਖੈਰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਐਸਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ TV ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਲੀ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਏ ਮਿਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਗੈਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨਿਤਨਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਗਾਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 2 ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਟਲੀ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਮਿੱਤਰਗਣ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭ੍ਰਮਣ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਤ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਂਗਟੀਟਿਊਡ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਊ ਮਚ ਆਰ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਗੋ ਥਰੂ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ, ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋੜ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਲਫਜ਼ਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਹਰਫਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਹਰਫਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦੇ ਤੂੰ, ਬਚਨ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਰਨ ਤਿੰਨ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੌਰ ਠਾਉ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ, ਮਿਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਠੌਰ ਠਾਉ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਕਾਉ, ਬਹੁਤ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਮੈਟਾਫੋਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭਰਮ ਭੂਲੇ
पटकदे हुए भुल गए ज्यों सुंजै करकाओ। आपने पंजाब की तरबियत विच कां देखिया होए, कुछ ऐसे पंछी ने जिहड़े जिन्हां दी एग्जाम्पल चंगे वास्ते भी दित्ती जांदी है, माड़े वास्ते भी दित्ती जा सकती है। कुछ ऐसे ने जिन्हां दी माड़े वास्ते, जिवें बगला आया, बगले नूं जदों इक्को पासे दित्ता जाएगा, बगले का मतलब पखंड, जिवें कोयल आ, कोयल नूं चंगे वास्ते भी कहा जाएगा पर एक लैवल ते उसनूं एक उस तरीके नाल प्रजेंट किया जाएगा कि वह मिठ बोलड़ी च बड़ी है पर उहदा वह बहुत कपटी है, वह कां दे अंडे तोड़ के पी जाती है। इहो जिहा एग्जाम्पल भी आएगा। तोते का आएगी एग्जाम्पल, तोता जिहड़ा हैगा वह आएगा एक तरीके दे नाल जिहड़ा बाग का नुकसान भी करता है कि फलों नूं टुक दिंदा है। उच्च वकारां दी मिसाल दित्ती गई है कि साडे जीवन दे फल तोते टुक रहे ने इस तरीके दे नाल। कितें एग्जाम्पल की गई तोते की कि जिवें तोता जिहड़ा है वह भरम जांदा है ते वह नलनी परमसूआ जिवें वह शिकारी फड़दे ने उहनूं एक नलकी जिस तरीके नाल बणांदे ने, तोता उत्ते आ के बैठदा है, वह घुम जांदी है तो थले पानी च डिग के तो उहनूं पकड़ लैंदे ने। उहनूं एक तरह दे नाल उहदी जिहड़ी इगनोरेंस आ उहदे नाल रिलेट करके मैटाफोर सिरजिया गया। पर जिवें कां आ, कां दे महाराज की बाणी च दोनों रूप आ जाणगे, आम लिटरेचर भी तुहानूं दो रूप मिल जाणगे। एक पासे कां दा रूप ऐसा मिलेगा जिवें साडे आम कल्चर च गल हुंदी है, कल्चरल साइड तो जे मैं बात करां कि कां दा बनेरे ते आ के बोलना सब चीज़ां शगुन दे रूप विच लोकी एक लोक दंत कथावां च इह चीज़ मन्नदे। दूसरे पासे कां दे बाबत इह वी कहा जांदा कि कां चलाक बहुत आ, उह अल्टीमेटली गंदगी ते जा के डिगदा, इहदी बात कीती गई। एक चीज़ होर वह कि कां की आवाज़ जिहड़ी है बड़ी कां कां कादी कां कां लाई है, मतलब ज़्यादा बोलता है, बेकार बोलता हैगा। हुण जिहड़ी गुरु बाबा जी ने इत्थे बात की है, महाराज बयान करते कि भ्रम भूले ज्यों सुंजै करकाओ, सुंजै करकाओ, कां बेचारा किसी के बनेरे ते आया, किसी घर विच गया तो इस आस नाल गया मैनूं इत्थे रोटी का टुकड़ा मिलेगा, तो वह फिर उच्ची उच्ची बोलता, आवाज़ा करता, पर हकीकत यह है उन्हें कोई रोटी का टुकड़ा नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? क्योंकि जिस घर दे विच आया वह घर सुंजा आ, उस घर च कोई नहीं रह रहा। जिहड़ी गुरु साहब ने बात की ना, जिहड़ा वकारां दा घर आ, जिस घर दे च साडा मन रह रहा आ, जदों उत्थे कुछ शुभता है ही नहीं तो साडे मन रूप कां नूं कौन कौन बुरकी पाएगा, इहदी मिजरी वधी जाएगी। जिन्हां पदार्थां दे वस्तां रस्तां दे मगर भज रहा तू तो उहदे करके तैनूं ना शब्द चंगा लगता, ना गुरबाणी चंगी लगती। जिद मैं बात प्रारंभ की कि वह बिलीव सिस्टम जिहड़ा आ वह छड्ड ही दिता तू, ये बिलीव ही है ना, साडे गुरु का हुक्म है असीं उहदे उत्ते पहरा देने, ये सब चीज़ा त्याग दित्तियां ते अल्टीमेटली होया कि सुंजै करकाओ, एक सुंजे घर चला गया मन ते हुण उहनूं कोई बुरकी नहीं पैंदी, हुण दी भुख डे दिन प्रतिदिन वधी जा रही है। अज बंदा जिस हालत विच विचर रहा है वो लख कमा ले, दस लख कमा ले, करोड़ कमा ले, दस करोड़ कमा ले, जो मर्जी भुखा, अज उहदे कोल खाण पाण रहन सहन, मतलब आपने कभी एहसास किया होगा बंदे को दो नवे कितने जोड़े आ जाते सी कपड़े पाण दे, बंदा कहिंदा सी वाओ आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि मेरे को सारा कुछ है। अज लोगों दियां घरां दियां वॉक इन क्लोजेट भरिया पईआं ने, जे अज कितें कपड़ा बनना ही बंद हो जाए तो हकीकत यह है मतलब बंदे की सारी उम्र लंघ जाए शायद खत्म ना होणगे, कोई खुशी नहीं है, नथिंग। बल्कि हालत यह बन गई है कि होर ज़्यादा बंदे की उदासीनता वधी तुरी लगी जा रही है। यह है सुंजे कर कां, मन रूप कां नूं कित्थों बुरकी मिले, ये भटके कितने हो रहा है। हाँ जिहड़ी अल्टीमेट खुशी है जिहड़ा असीं जिहनूं असीं कहिंदे आ कि रियल प्लैजर, जिहड़ा असल च अनलिमिटेड प्लैजर आ, वह तो रूहानी तौर पर अपने आप को बूस्ट करके है तो वह आएगा बिलीव नाल। बिलीव है नहीं बंदे नूं, सॉरी टू से माफ़ी मंगांगा, आप तो गुरु के हजूर बैठे हो, देवत्या वर्गे लोग हो, अदरवाइज मैं गुरुद्वारे विच देखदा आ बंदा विआह कराण वास्ते भी आ जाता है, विआह के प्रोग्राम से भी आ जाता है, किसी होर भी, पर तो कोई बिलीव नहीं हुंदा ना, उहनूं लगता भी जो गुरु शब्द पढ़िया जा रहा इहदे नाल कोई रिलेशनशिप आ। इस हालत तुसीं रोज़मर्रा देखते हो तो कई बार माफ़ी मंगांगा, मैनूं अजीब तरह की
मतलब ये हालत महसूस भी होंगी है भी किन्ना निगर चले हैं इन्ना भी नहीं पता। वैसे खुद बजाते बादशाह चलो विह की बात आ गई तो मैं शब्द उत्थे पढ़दिया वेखदा शब्द सुनदिया वेखदा तो हुण सपोज करो एक ब्राइड एंड ग्रूम के तौर पर कपल लाइफ लैन एक जीवन दंपत्ति जीवन मानने वास्ते दो इंडिविजुअल्स आके बैठे ने तो रागी शब्द पढ़ रहे ने कीता लोड़ीए काम सुहर पै आखीए। मैं कई बार सोचता हाँ इन्हों जहनी तौर पर पता भी है कि पढ़िया जा रहा की गाया जा रहा वट दिस शब्द इज एक्चुअली रिप्रजेंटिंग ओवर हेयर आर दे एबल टू फील परे है यदा जी फील करने वाली गल तो बहुत वड्डी गल है बिलीव तो होए कितने पिछों। सो ये सब चीज़ा तो पता लगा ये सुन्ये कर काओ इस मन रूप कान बिल्कुल कोई टुकड़ा नहीं मिलना क्योंकि वह तो उस घर गया ही नहीं जिस घर कुछ मिलना सेगा वो तो किसी होर घर चला गया है उन्होंने तो ग्लैमर चंगा लग रहा है पदार्थ हालांकि पता भी उस कुछ भी नहीं कुछ भी कढ़न पाने नहीं है। गुरु बाबा जी ने उसकी बात की जिड़ा एवें करेगा भ्रम भूले ज्यों सुनचै कर काओ हलत पलत नहीं दोवें गवाए। चलो प्रलोक ते गया आफ्टर डैथ ते चलो किन्ने वेख्या किन्ने नहीं लोक भी गया लोक भी उमरां बतीत करन तो बाद परिवार सब सांभण संभालन तो बाद लोग धरती तो विदा होण लग्यां पिछे मुड़ के देखदे ते कई बार सोचदे काहदी जिंदगी बेकार कर ली अपने कुछ नहीं क्योंकि जिन्हां इच्छावां ख्वाहिशां दे विच रहे वह फुलफिल नहीं होईआं ते जो मिलिआ उहदे नाल कोई सैटिस्फैक्शन नहीं हैगी। हुण हालत इह है बंदा जिन्होंने साहब ने कहते रैन गवाई सोए क्या दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। जिन बाबा जी ने कहा अन्ने बस माणक पिया घर घर वेचण जाए उन्हना परख ना आवे अडना पल पाए। इंज लगा भी अन्ना ही सीगा जिन्हों माणक मिलिया जिन्हें खरीददार से जिन्हों को वेचण लिया वह भी अन्ने सीगे ना खुद नू पता ना दूजियां नू पता तो हालत यह बन गई कि बस अंदरों अन्ना बाहरों अन्ना कूड़ी कूड़ी गावे कूड़ी कूड़ कुछ अज कमा के धरती तो विदायगी हो गई। इन्हू गुरु बाबा जी ने बयान किया है हालत पलत लोक परलोक जिन्हों से कह दें कई बार तिनी दोवें गवाए दुखे दुख विहावणिया बस दुख ते दुख। सपोज मैं फिर मेन स्ट्रीम में एक प्रोग्राम पिछले दिनों देखिया तो उहदे चो हुंदा है कि एक शख्स आ क्रोनिक पेन चो गुजर रहा तो उहदी जिहड़ी क्रोनिक पेन आ डे बाई डे वर्स होई जा रही है तो उहनू अखीर च पुछदा है भी डू यू हैव एनी विश कहिंदा डेफिनेटली यू वॉन्ट टू लिसन दैट आई हैव ए विश दैट आई डोंट हैव दीज पेन्स बट आई नो दीज आर रियल दे आर नॉट गोना गो अवे एनी वे आई हैव टू live with them and they will be actually exiting with me as a body mere naal hi itthe exit karne ki hai theek hai but still I have a wish and I have so many wishes ho kehnda okay kehnda hun main sochda ha ki eh te peed chi hai theek hai kaash jinni 2 saal pehla peed si unni ki mil jaye oh ghat si oh theek si हाँ तो पीड़ बहुत ज्यादा हो गई है बंदा रियल सी वो कहिंदा इवन दो टू ईयर्स अगो आई हैड पेन बट नाउ आई एम विशिंग जे कि मेरे को उन्नी पेन आ जाए आ टू मच आ तो तुम देखोगे ना आले दुआले पीपल आर सेइंग सेम काइंड ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट वर्ड्स। बाबा जी क्या दुखे दुख विहावणिया कल भी दुख सी अज भी दुख है उन्दे कल भी दुख बंदे दी हालत बन गई क्यों शब्द वसारता इस करके बात हो रही। अगला बचन देखियो लिखदिया कागद मसखोई कागद मसखोई टीकेकारां ते लिखा भी कागज ते जिहड़ा सीगा मसू कहिंदे ने शाही नूं मसकालख नूं कहा जांदा हैगा इंक बंदे ने लॉस्ट कर ली। एक्चुअली ये नहीं गल मैं जो डीप लैवल तेनों देखता हाँ बंदे ने आप लेख लिखद लिखद इन्ना को
मिजरी चला गया, गवाच गया, उन्हें यह नहीं पता मेरा लिखिया मैं ही भुगतना है। वट एवर आई एम राइटिंग, वट एवर आई एम डूइंग, आई हैव टू फेस रिजल्ट्स, आई हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। आ बंदा लॉस्ट हो गया, इथों ही गड़बड़ है सारी। गुरु साहब कहिंदे हालत देखो, लिखदियां लिखदियां कागद मसखोई, दूजे पाए सुख पाए ना कोई। भी सपोज करो इत्थे काम ते लाया सीगा ध्यान ना लिखण दे, ते कोई डिस्ट्रैक्शन होई, कोई इस पासे स्क्रीन चल गई, कुछ हो गया, ते बंदा बंदा इहनूं छड्ड के उधर लग गया, हुण कलम ते चली जा रही है, पर उहनूं इह नहीं पता वी की हो की रिहा हैगा। एक्चुअली वी आर ऑल लिविंग डे टू डे लाइफ, वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ एक्शंस, वी आर एक्टिंग एज अ ह्यूमन, बट द एक्ट वी आर एक्चुअली डूइंग वी आर नॉट अवेयर एट ऑल। सानूं पता ही नहीं हैगा की हो रहा है, बंदा इस चीज नूं एहसास नहीं कर रहा भी ये आखिर। फिर कई बार सोचते रिजल्ट एवं क्यों आ रहे हैं, भाई वो मसू ते लिखाई जिहड़ी उह क्यों तू ध्यान नहीं दिता, उहदी बात कीती गुरु साहब ने। कहिंदे की हालत है, दूजे पाए सुख पाए ना कोई, क्योंकि दूजे पाए चला गया, कूड़ लिखा ते कूड़ कमाम है। हुण लिखिया कूड़ है, अंग्रेजी सेइंग है गारबेज इन गारबेज आउट। दुनिया की बेस्ट तो बेस्ट मैनुफैक्चरिंग मशीन लैओ, मैनुफैक्चरिंग यूनिट ला लो, जो रा मटीरियल गारबेज है ना, जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वह भी गारबेज होगा। जे तुसी फाइनल प्रोडक्ट चंगा कढ़ना है, रा मटीरियल भी बेस्ट लैके आओ। रा मटीरियल की है, साडे थॉट्स, साडियां रावां, साडे ख्याल, इत्थे शब्द वसारता। माफी मंगांगा, इत्थे अदने मनुख नूं यही नहीं लगता, नितनेम भी करना चाहिए। एंड लिटरली पीपल आर सेइंग, सॉरी टू से, देर इज नो नीड इट, देर इज नो नीड टू डू इट, नो, जस्ट टाइम वेस्टिंग। यू माइट हैव हर्ड दैट, एंड देन आई थिंक ओह माय गॉश, इन विच डायरेक्शन आर वी गोइंग। जदों बंदे ने एक्चुअल एक टाइम सीगा जदों जिहड़े खास करके स्पेस विच जांदे ने साइंटिस्ट वगैरह जिहड़े एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होंदे ने, उन्हां नूं वो सॉलिड फूड नहीं देंदे, काइंड ऑफ टैबलेट्स वगैरह इस तरीके नाल। ते उदों ना एक वड्डे लैवल ते बात शुरू हो गई सी, एंड आई हैव एक्चुअली रेड दोज थिंग्स वी आने वाला फ्यूचर पता कहो जिहा होना है, घरां च की होना है, घरां च देयर इज नो नीड फॉर टॉयलेट्स, वाशरूम, नथिंग, क्योंकि खुराक यहोजी आ जानी है बंदे नूं, एक कैप्सूल बस उहदी इत्थे जिहड़ा हैगा उहदे धुन्नी च रख्या, फतेह, लोड़ ही नहीं, दो साल दी एनर्जी फुल। बंदा इस तरीके सोचण लग गया, हुण हौली हौली करके पता लगा नो 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 फॉरगेट अबाउट इट, हुण ते बल्कि चाहीदा यह है बंदे नूं बिल्कुल रा खाना चाहीदा, नेचर तो आया होया, ईवन इंडस्ट्रियल प्रोसैस भी नहीं चाहिए। नो नो नो, जिहड़ा इंडस्ट्रियल प्रोसैसड फूड आ दैट इज जस्ट इलनैस, सिक, इज गोना मेक यू सिक, डोंट एक्चुअली टेक इट। हुण गल आ रही है, तो इत्थे साडे कोई लोड नहीं है नितनेम की, गुरुद्वारे की, हाजरी की। नो नो नो, जे करना ही चंगी किताब पढ़ लो, कोई चंगा कोड पढ़ लो, किसी दैट्स एनफ, ठीक है। ये चीज़ा लंबा समा नहीं चलनगिया, पीपल आर ऑलरेडी एक्चुअली मेकिंग यू टर्नस। मैं तो मेन स्ट्रीम लोगों देखा है, यूनिवर्सिटी लैवल से, मैं मास्टर यूनिवर्सिटी समय मैं देखा कि साढ़े प्रोफेसर दूजे मैडिटेशन की इन्नी गल कर, जो भी करते उदू ही करते, अच तो जो मैं कह 10 साल पहले देवर एक्चुअली गिविंग सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, डू दीज थिंग्स, डू सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सब चीज़ा हो रही। गुरु बाबा जी ने बयान किया जिहड़ा सुन्ये कर काम, मन उस पासे चला गया तो हालत यह बन जाएगी। फिर गुरु साहब कहिंदे कि कूड़ लिखा तो कूड़ कमावें, जल जावें कूड़ चित लावण, कूड़ चित लगाया तो फिर जलना तो फना तो होना लाजमी है ना। जे आप देखोगे कि खाणी भी गंदगी, पानी भी गंदगी, रहन सहन भी गंदगी दे विच, ख्याल सुरत हर चीज़, भाई फिर बचाएगा कौन।
आज कोविड 19 इट्स नॉट जस्ट एक्चुअली यू कैन से सम काइंड ऑफ कोइंसिडेंटली चीज़ आ गई. नो वे. स्नेक एंड बैट मार्केट जिहड़ी हैगी है उहदे विचों निकल के आ रही है. तो हाइजीन की गल हो रही है, सफाई की, क्लिंजिंग की, सारी चीज़ की, एक दूजे का जिहड़ा खास करके स्पेस रखण की गल हो रही है, लिवेबल एनवायरमेंट बिल्ड करन दी गल. यू कैन पे अटेंशन टू एवरीथिंग. पता लग रहा दस की रहा सारा कुछ. जे अजे भी बंदा ना समझे फिर तो कुछ फिर तो मनुख की होनी आप ही है ना, आप लिख रहा है. अजे दो पदे शब्द के मौजूद ने जिन्हों के विचार आते समय च करांगे. अज वास्ते समा समाप्त है. भुलां गलतियां ना चितारनियां, कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह.